गुल्ली बुल्ली के घर के थोड़ी ही दूर पे एक चाय की दुकान है जहाँ पर अक्सर लोग चाय पीने के लिए आया करते हैं। और अभी शाम का समय है और यहाँ पे गुल्ली बुल्ली भी अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए आए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और गुल्ली बुल्ली के सारे दोस्त यहाँ पे रोज चाय पीने के लिए आया करते हैं। और आज शाम को जैसे ही ये लोग चाय पीने के लिए चाय की दुकान पे आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो आदमी आए हुए हैं जिसे इन लोगों ने पहली बार देखा है। ये दोनों यहाँ पे चाय पीने के लिए नहीं आया करते हैं। तभी आलोक उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो उन लोगों का चेहरा कितना गंदा दिखाई दे रहा है। उन दोनों को देखते ही ये सारे लोग उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं और सारे लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन आलोक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कहीं इन दोनों ने आलोक की बात सुन ली तो पता नहीं आलोक का क्या होगा। अरे ये क्या, ये दोनों तो इन लोगों को देखने में लगे हुए हैं, कहीं इन दोनों ने आलोक की बात सुन तो नहीं ली। अरे ये क्या, इन दोनों ने तो सचमुच में आलोक की बात सुन ली है और शायद इन लोगों को आलोक की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है इसलिए ये लोग अपना सर हिलाने में लगे हुए हैं। तभी आलोक कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ और वैसे भी हम लोग यहाँ पर रुककर क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने तो चाय पी ही ली है और अब यहाँ रुकने का कोई फायदा ही नहीं है, अब तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ और मैं भी अपने घर चले जाऊंगा। तभी अज्जू भाई कहते हैं कि हाँ आलोक तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी घर में कुछ काम है इसलिए मैं भी अपने घर जा रहा हूँ और जिसे जिसे काम नहीं है वो यहाँ पर रुक सकते हैं। अज्जू भाई की बात सुनते ही आलोक अपने घर की तरफ जाने लग जाता है और फिर ये सारे लोग भी अपने अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में पिछली वीडियो के सारे कमेंट्स दिखाए गए हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आलोक अपने घर की तरफ जा रहा होता है पर आलोक को पता नहीं है कि आलोक कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अरे ये क्या, आलोक चलते चलते अचानक से रुक क्यों गया? अरे ये क्या, आलोक के सामने तो वही दोनों लोग आ गए हैं जो कि चाय की दुकान पे थे और ये दोनों लोग आकर आलोक के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी आलोक कहता है कि तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है और सामने से हट जाओ वरना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तभी ये दोनों लोग हंसने लग जाते हैं। तभी अरे ये क्या, इसने तो आलोक को लात से मार दिया है और आलोक नीचे गिरकर बेहोश भी हो चुका है और ये लोग दौड़ते हुए यहाँ से भागने लग जाते हैं। और ये दोनों तो आलोक को मारकर यहाँ से भाग भी चुके हैं। आलोक ने चाय की दुकान पे इन दोनों का मजाक उड़ाया था, उसी का बदला लेने के लिए इन दोनों ने आलोक को मारा है। और इधर गुल्ली बुल्ली रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी गुल्ली बुल्ली एक जगह पे रुक जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे बुल्ली वहाँ पे देखो, शायद कोई वहाँ पे पड़ा हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए उसी तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने तो आलोक को नीचे पड़ा हुआ देख लिया है। और फिर गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए आलोक के पास आ जाते हैं और गुल्ली आलोक के पास नीचे बैठ जाता है और आलोक को उठाने लगता है। तभी आलोक को होश आ जाता है और फिर आलोक खड़ा हो जाता है। तभी आलोक गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है। तभी गुल्ली आलोक से कहता है कि क्या हुआ आलोक, तुम यहाँ पे क्यों सोए हुए हो, कहीं तुम्हें घर वालों ने घर से निकाल तो नहीं दिया? तभी आलोक गुल्ली से कहता है कि अरे नहीं गुल्ली, मुझे किसी ने घर से बाहर नहीं निकाला है, अभी मैं रास्ते से जा ही रहा था कि तभी मेरे सामने वही दोनों लोग आ गए थे जिन लोगों का मजाक हम लोगों ने चाय की दुकान पे उड़ाया था और फिर उन दोनों ने मुझे इतना मारा कि मैं यहीं पे बेहोश हो गया, लेकिन मैं उन लोगों को इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि वो दो लोग थे। लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर वो दोनों मेरे सामने आ गए तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा और मैं उन लोगों को चुन चुन कर मारूंगा और चुन चुन कर बदला लूंगा और मैं उन लोगों को मार मार कर उन लोगों की चड्डी पसली एक कर दूंगा और कल जब वो लोग चाय पीने के लिए चाय की दुकान पे आएंगे तो हम सारे लोग मिलकर उन लोगों को काफी ज्यादा मारेंगे। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग तो अपने घर चले गए थे तो तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? तभी गुल्ली आलोक से कहता है कि अभी हम लोग रास्ते में जा रहे थे तभी हम लोग को याद आया कि हम लोग को मार्केट से कुछ सामान लेना है इसलिए हम लोग अभी मार्केट जा रहे थे। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, अब मैं कॉल करके सारे दोस्तों को चाय की दुकान पे बुला लूंगा, तुम भी कल शाम को चाय की दुकान पे आ जाना और फिर हम सारे लोग मिलकर उन दोनों को काफी ज्यादा मारेंगे और अब हम लोग मार्केट नहीं जा सकते हैं, कहीं वो दोनों रास्ते में मिल गए तो पता नहीं हम लोग का क्या होगा, इसलिए तुम भी अपने घर चले जाओ और हम दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। ये कहने के बाद गुल्ली बुल्ली और आलोक अपने अपने घर जाने लगते हैं। और अगले दिन शाम को उस चाय की दुकान पे ये सारे लोग उन दोनों को मारने के लिए आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली ने साथ में सोन को भी लेकर आया है और ये सारे लोग आकर उस दुकान के पास खड़े हो जाते हैं। तभी सोन इन लोगों से कहता है, देखा तुम लोगों ने मेरी ताकत, शायद उन लोगों को पता चल चुका था कि मैं भी तुम लोगों के साथ आने वाला हूँ इसलिए वो लोग डर कर यहाँ नहीं आए हैं। तभी रेड मैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों को कैसे पता चल सकता है कि हम लोग उन लोगों को मारने के लिए आने वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, शायद उन लोगों को कुछ काम होगा इसलिए वो लोग यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन लोगों ने आलोक को मारा है और शायद उन लोगों को पता नहीं है कि आलोक हम लोगों का दोस्त है और हम लोग कितने खतरनाक आदमी है। तभी सोन कहता है कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो, शायद इस दुकानदार को पता होगा कि उन दोनों का घर कहाँ है, रुको मैं अभी पूछकर तुम लोगों को बताता हूँ। और ये कहने के बाद सोन दुकान के करीब जाने लगता है और फिर सोन उस दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है
और सोन उस दुकानदार से कहता है कि अरे अंकल आप मुझे ये बताइए, जो दो आदमी कल यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे और यहाँ पे कल टेबल पे बैठे हुए थे, क्या आपको उन लोगों का एड्रेस पता है? अगर आपको उन लोगों का एड्रेस पता है तो आप उन लोगों का एड्रेस हमें बता दीजिए, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर मेरे दोस्त को मारा है और हम लोग उन लोगों को मारकर अपने दोस्त का बदला लेने वाले हैं। तभी दुकानदार कहता है कि हाँ मुझे उन लोगों का एड्रेस पता है, यहाँ सामने वाले जंगल में जब तुम लोग सीधा जाते रहोगे तभी तुम लोगों को उसका घर दिखाई दे देगा, और हाँ तुम लोग उन लोगों को इतना ज्यादा मारना कि वो लोग दोबारा से चाय पीने के लिए ना आए, क्योंकि वो लोग जब भी यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं तो वो लोग मुझसे फ्री में ही चाय पीकर चले जाते हैं। ये सब सारी बात सुनने के बाद सोन दौड़ते हुए इन लोगों के पास आ जाता है। इन लोगों के पास आने के बाद सोन इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने सारी बातें सुन ही ली है तो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो उन लोगों के घर। सोन की सारी बात सुनने के बाद ये सारे लोग दौड़ते हुए उन दोनों के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर दौड़ने के बाद ये सारे लोग उसके घर की काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और फिर ये सारे लोग उन लोगों के घर के पास आकर रुक जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल इन लोगों से कहता है कि शायद ये घर उन्हीं लोग का है, क्योंकि इन लोगों के घर के बाहर बोर्ड में भी बॉब और बक लिखा हुआ है, शायद एक का नाम बॉब और दूसरे का नाम बक होगा। तभी रेड क्रिमिनल चिल्लाते हुए कहता है बॉब और बक घर से बाहर आ जाओ, हम लोग तुम लोगों को सरप्राइज देने वाले हैं। ये बात कहने के बाद ये सारे लोग किसी के घर से बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं आता है। तभी हिप हॉप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हिप हॉप कहता है शायद ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हम लोगों को घर के अंदर जाना चाहिए और घर के अंदर जाके इन लोगों को मारना चाहिए। वो दोनों घर से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा डर चुके हैं, हम लोगों को घर के अंदर जाना ही पड़ेगा। जैसे हिप हॉप ये बात कहता है तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर से बक चलते हुए आता है। बक को देखकर ये सारे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अरे ये तो वही आदमी, इसी ने मुझे कल रात से मारा था और मुझे मारकर वहाँ पे बेहोश कर दिया था। तभी बक कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और हाँ जल्दी से यहाँ से निकल लो वरना मेरा भाई आ गया तो पता नहीं क्या होगा, वो तुम लोगों को एक एक करके मारेगा, और फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं भी तुम लोगों को मारने लगूंगा। तभी अज्जू भाई कहते हैं कि तुम लोगों ने आलोक को मारा है और आलोक का बदला हम लोग लेंगे, इसलिए यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। अज्जू भाई की बात सुनने के बाद बक कहता है कि तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। बक की बात सुनने के बाद रेड क्रिमिनल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बक को मार खाता देख ये सारे लोग खुश हो जाते हैं और सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल कहता है हम लोगों ने इससे आलोक का बदला ले लिया है पर अब इसके भाई की बारी है। रेड क्रिमिनल की बात सुनने के बाद अज्जू भाई कहते हैं अब इसके भाई की बारी है पर पता नहीं इसका भाई अभी कहाँ होगा, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। अज्जू भाई की कहते हैं ये सारे लोग दौड़ते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। अरे क्या इन लोगों को तो ज्यादा जेब द किलर पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा है, पर पता नहीं जेब द किलर यहाँ क्या कर रहा है और जेब द किलर के हाथ में ये गन क्यों है, क्या आप जानते हैं कि जेब द किलर के हाथ में कौन सी गन है तो कमेंट करना ना भूलें। अरे क्या जेब द किलर तो यहाँ से दौड़ते हुए उस घर की तरफ जाने लगा, पता नहीं जेब द किलर उस घर की तरफ क्यों जा रहा है। तभी जेब द किलर उस घर के पास आकर खड़ा हो जाता है और अरे क्या जेब द किलर ने तो बक को मार दिया है और फिर जेब द किलर यहाँ से भाग भी गया है। जेब द किलर ने बक को क्यों मारा पता नहीं, जेब द किलर की क्या दुश्मनी थी। कुछ देर बाद बॉब भी यहाँ पे आ जाता है और बक को मारा देखकर काफी ज्यादा रोने लग जाता है। कहीं बॉब को ऐसा ना लगे कि आलोक ने ही बक को मारा है, क्योंकि कल बॉब और बक ने मिलकर आलोक को मारा था, उसी का बदला लेने के लिए आलोक यहाँ आया होगा और बक को मारकर चला गया होगा, और बॉब तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है, अब शायद ये आलोक को नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा आगे, क्या बॉब आलोक को मार देगा या बॉब को पता चल जाएगा कि बक को जेब द किलर ने मारा है, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट टू में। पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें, और ये पीछे वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इस कमेंट्स में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए।